हेलो गाइस, सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? बाकी आज का जो ब्लॉग है वो कुछ स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं कॉर्नवेल, और कॉर्नवेल है जो यूके का साउथ वेस्ट है, उसमें पड़ता है, लंदन से पड़ता है 500 किलोमीटर दूर। तो कम से कम 6 घंटा लगेगा इसमें। बाकी देखते हैं, जो हमने अभी बुक करी है वो एक ट्रैवलर एजेंसी के थ्रू ट्रैवल बुक करा है, तो इसमें रैंडम लोग रहने वाले हैं और नए लोग मिलेंगे। और अभी मेरे को ये भी नहीं पता कि कहाँ वो लेके जाएगा, क्या कराएंगे, अभी कुछ नहीं पता। बस ये पता है कि आज जाना है और कल सुबह मॉर्निंग में वो वापसी है। फाइनली हमारी बस तो आ गई है। रास्ते में एक हॉल्ट लिया है 10-15 मिनट का। तो यहाँ पर ये इनका मैं दिखाता हूँ कि ये कार पार्किंग है, और यहाँ पर टेस्ला का ही चार्जिंग पॉइंट बना हुआ है ई कार्स के लिए। आप यहाँ पे अपनी कार भी चार्ज कर सकते हैं। और ये अपनी बस है जिसमें आज हम आए हैं। काफ़ी नए लोग मिले, उनसे बात हुई। अभी थोड़ा थोड़ा जब अच्छी जान पहचान होगी या शाम को मैं आपको उनसे हेलो भी कराऊंगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा वॉशरूम जाना है एक बारी। सुबह तो अभी बारिश हो रहा था, पर अब थोड़ा थोड़ा मौसम क्लियर हुआ है। होपफुली सब साफ ही रहे मौसम, कि वो थोड़ा बीच एरिया है और बीच में ना थोड़ा अगर बारिश होगी तो ही मज़ा है। सॉरी, बारिश नहीं होगी तो मज़ा है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं कॉर्नवॉल। तो ये जो है ये बीच सिटी है, और ये एक तरह से कह सकते हैं आप साउथ वेस्ट में यूके का एंड है। तो गाइस बीच साइड तो अभी हम पहुंच गए हैं। बाकी यहाँ पर मैंने सर्फ स्कूल के जो ट्रेनिंग देते हैं उनसे भी बात करी थी, जिसका इन्होंने प्राइस बताया है 330 जो पूरे क्लासेस का, पूरे सेशन का है, और उसके अंदर ये पूरी ट्रेनिंग देंगे आपको और पूरा साल लेसन्स देंगे 8 से 10 सर्फिंग के। और इस तरह से अभी बीच का व्यू है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। बीच तो अभी बीच के पास नहीं पहुँचे हैं, पर स्टार्टिंग में जो दिख रहा है मज़ेदार है, और इसमें व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। मैं आपको आज क्राउड भी काफ़ी है, क्योंकि सनी डे है। तो अभी हमें वहाँ पर जाना है बीच के पास। लोग चंद बात ले रहे हैं, टेंट लगा के भी अपना ऐश कर रहे हैं, यहाँ पे चिलिंग कर रहे हैं। तो बीच साइड आ गए हैं, अभी देखते हैं थोड़ा नहाने का क्या है, प्लान बनता है नहीं बनता। ये अभी मैं थोड़ा बीच के पास, लहरों के पास जाते हैं, बीच के पास जाते हैं और देखते हैं कैसा पानी है, क्या है। फिर मैंने देखा वहाँ पर कुछ लोग सर्फिंग भी कर रहे थे। बीच के बिल्कुल पास तो आ गए हैं, लहरें भी ज़बरदस्त हैं, पानी भी यार साफ लग रहा है, पर क्या है ना थोड़ा सा ठंडा है, ठंड है अभी तो, रिस्क लेना सही नहीं है। बाकी मैं थोड़ा आपको पास जाके और दिखा देता हूँ। वहाँ लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा है। ओह
कुछ लोग वहाँ पर सर्फिंग भी कर रहे हैं, अगर आपको नज़र आए बहुत लास्ट थोड़ा सा दूर है। अभी जब हम बीच साइड घूम रहे थे तो हमने देखा यहाँ पर शीशेल्स बहुत ज़्यादा जमे हुए हैं पत्थरों के ऊपर, आप देख सकते हैं। और ये हर जगह ही है, ये पता नहीं कैसे है क्या है, मुझे इसका तो आइडिया नहीं है। के सामने ही एक बहुत अच्छी लोकेशन पे और बहुत प्यारा सा होटल है, पर इसमें हमारा आज रात रुकने का कोई प्लान नहीं है। एक्सपेंसिव है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पर अगर कभी भगवान ने चाहा तो आगे कभी रुकेंगे, पर अभी कोई प्लान नहीं है। पर यहाँ से व्यू बहुत ज़बरदस्त है बीच का। तो गाइस अभी हम अपने बस की तरफ चल रहे थे, इतने में हमें एक गाड़ी दिखी, और क्या कार है, क्या मज़ेदार, मज़ा आ गया गाड़ी देख के। और जहाँ ये खड़ी है वो और भी ज़्यादा मस्त है, वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और गाड़ी का नाम भी इतना सेक्सी है, गाड़ी का नाम है स्पाइडर, पोर्शे कंपनी के, नाइस। और ये पे बाय मोबाइल विथ, और ये पार्किंग के लिए आपका मशीन है, आप यहाँ अपनी पेमेंट करें और अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इसके प्राइजेस भी यहीं पे लिखे हुए हैं। बाकी अभी हम अपने ट्रैवलर की तरफ जा रहे हैं, मिल नहीं रहा है, शायद हमने गलत रोड पकड़ लिया है।